डर लग रहा है एग्जामिनेशन को लेकर? कितने लोगों को डर लग रहा है? यस सर, सभी को डर लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कितने लोग जुड़े हुए हैं? सुरभि, निशी, राधिका, स्मृति है, शिवानी है, कौशिकी है, अस्मिता, शुभस्मिता, सैम, हाय, सौम्या, ओम, हिना, कुछ लोग तो नाम भी अलग अलग रखे हैं, रीना है, प्रियंका, आंचल, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक ठाक, ठीक है। इतने लोगों को डाउट है, बाकी लोग तो सोच रहे हैं क्या कथा चल रहा है, क्या कोई मतलब है नहीं। तो ठीक है, मैं सोचा था कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव बात कर लेता हूँ कि जो भी देखो गेट एग्जामिनेशन में आप लोग ने जितनी मेहनत कर रखी है उस पे यकीन करना, क्योंकि ये कैसा एग्जाम है जिसमें आप जितना भी पढ़ लोगे आपको कम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स होते हैं, या बोल सकते हैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं हर टॉपिक्स के जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एब्रप्टली क्वेश्चंस नहीं बनेगा, कुछ की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन्हीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। और इस बार जहां तक मेरा आइडिया कि आईटी कानपुर बना रहा है पेपर, राइट? तो आईटी कानपुर बना रहा है पेपर, तो समझ जाइए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो रहेगा पेपर में अच्छा खासा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा, अगर मैं बायोटेक की बात करूं अभी के लिए तो ये थोड़े से अच्छे होंगे क्वेश्चंस। इसके रेप्लिकेशन क्या में कौन सा एंजाइम, कौन से फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एंटीबायोटिक्स का ये सब पढ़ लेना। माइक्रोबायोलॉजी के कौन से जो है टेक्निक्स हैं, जो कह सकते हैं कौन से मीडियाज होते हैं, डिफरेंशियल मीडिया क्या कहता है, सेलेक्टिव मीडिया के एग्जाम्पल्स क्या है, ये सब थोड़ा लुकआउट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस उठने के चांसेस हैं। और बाकी जो लोग एक्सेल वाले हैं, अगर उनमें बात की जाए तो केमिस्ट्री तो बहुत मैं नहीं देखा हूँ पीवाईक्यूज, बट हाँ केमिस्ट्री में जो बेसिक हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस पढ़ लेना, और खासकर जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ काइनेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो देख सकते हैं, और कुछ नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उन सभी लोगों सभी चीजों को रिवाइज कर लेना। साथ में जो आपके पास बायोकेमिस्ट्री को ऑप्ट कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पूरा बायोटेक्नोलॉजी जैसा ही होता है, मतलब आपको सेल पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, मोल बायो पढ़ना है, आरडीडी पढ़ना है, ये सब पढ़ना होता है। ये सब बेसिक बेसिक में कुछ मॉलिकुलर पाथवेज जो होते हैं बायोकेमिकल, उनमें कौन से एंजाइम्स क्या क्या करते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज रेगुलेटरी है क्या कर रहा था, कितने एटीपी बन रहे हैं, कौन से फोटोसिंथेसिस में की रेगुलेटरी एंजाइम्स है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो है, कुछ मेटाबोलिजम्स में कितने अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म या कौन कौन से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। आरडीडी में खासकर मैपिंग से क्वेश्चन ज्यादा आता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब थोड़ा देख ले। एक दो क्वेश्चंस बियर लैम्बर्ट लॉ से आते हैं बायोकेमिस्ट्री एक्सेल में, वो पढ़ ले। बियर लैम्बर्ट लॉ का एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल, ये सब कुछ लो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर लुकआउट कर ले। माइक्रोबायोलॉजी में भी ये सब कुछ चीजें आती हैं, जैसे मीडिया है उसमें स्टेलाइजेशन प्रिंसिपल्स है, काइनेटिक्स है उसमें एक डेसिमल रिडक्शन टाइम डीआरटी जिसको बोलते हैं वो आते हैं, उसपे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली तौर पे, वो सब थोड़ा सा लुकआउट कर लीजिएगा। उसी तरीके से आपके बॉटनी मतलब है उसमें कुछ फिजियोलॉजी के टॉपिक्स आ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ हॉर्मोन्स वगैरह हैं, और साथ में जो क्लासिकल बॉटनीज है फ्लोरल फॉर्मूला से लेके कुछ कुछ जो बेसिक डिफरेंस है कि आखिर जो एंजियोस्पर्म्स है वो जिम्नोस्पर्म से क्यों अलग है, जिम्नोस्पर्म की प्रॉपर्टी क्यों है, किसमें वाटर फ्लोइंग स्पर्म्स पाए जा रहे हैं, किसमें जो है फ्लावरिंग कह सकते हैं प्लांट्स है, किसमें जो है फ्रूट मिलता है, किसमें नहीं मिलता है, किसमें नेकेड सीड्स होते हैं किसमें नहीं, ऐसे कुछ बेसिक्स जो होते हैं क्लासिफिकेशन वो देख ले बॉटनी वाले। और साथ में एनिमल के साथ भी वो क्लासिफिकेशन में कौन कौन से लार्वा वगैरह है, क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ऑर्थोपोडा में जो कुछ इंसेक्ट्स के टाइप्स होते हैं वो उनके जो अपेंडेजेस होते हैं या जो लेग्स होते हैं कौन 8 लेग्स के कौन 16 के हैं, और क्या एग्जाम्पल्स है वो सब है, कौन कौन से किस सिमेट्री पे बेस्ड है, किसमें बाइलेटरल है, किसमें जो है रेडियल है, ऐसे ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशंस देख ले। साथ में कई सारे बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स होते हैं वो जूलॉजी में मिक्स हो जाते हैं, तो ये कुछ चीजें जो है आप देख सकते हैं। और इन सभी चीजों में जो भी आपने पढ़ा होगा या पढ़ रखा होगा उस पर यकीन करिएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं मैंने जो है कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, क्योंकि मैं आपको अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे बस, कि व्हेन आई वाज अपियरिंग गेट बायोटेक्नोलॉजी 2016, तो उस टाइम पे जो है आईआईएससी बेंगलोर ने वो उस वक्त का पेपर बनाया था, और जब मैं ये मेरा
मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज जो है मैं बहुत तुर्रम था या बहुत सीधे थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूंगा तो मैं जब एग्जामिनेशन, क्योंकि आईसी बैंगलोर का पेपर आप 2016 का उठा के देख लोगे, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का आप देखेंगे चाहे एक्सेल का, दोनों ही पेपर आपको बहुत ही अच्छे किस्म के मिलेंगे। मतलब न्यूमेरिकल्स अच्छा खासा मिलेगा और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। जब भी आईसी बैंगलोर बनाता है तो पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, और ये चीज से मैं भी अवेयर था, मैंने भी न्यूमेरिकल पे मेहनत कर रखी थी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस टाइम पे ये था कि जब मैंने गेट एग्जामिनेशन, मेरे आसपास कई सारे लोग थे जो मेरे ही कॉलेज के थे, क्योंकि मैं बीटेक फोर्थ ईयर अपियरिंग में ही एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मैंने दिया था, एक्सेल नहीं दिया था, तो वो लोग मेरे से, क्योंकि मैं कान में ईयरफोन लगा के ऐसे गाने सुन रहा था, तो उनको लगा था काफी कूल है या काफी, क्योंकि मतलब ऐसा होता है, लेकिन मैं कूल नहीं, मैं भी डरा हुआ था अंदर से, मुझे भी टेंशन थी। एंड जब मैं सेंटर पे गया तो मेरे ही आसपास का 3-4 लोग मेरे ही जो है कॉलेज से बैठे हुए थे, तो वो जैसे ही पेपर मेरे सामने आया पढ़ने के बाद, मैं अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक तौर तरीका जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मैं अक्सर ये यूज करता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये मैं आंख बंद करके मंत्र की तरह जपता हूँ। जब भी मैं ऐसे सिचुएशंस में होता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मैं ये बोल रहा था अपने आप को काम रखने के लिए। तो मैंने जैसे ही क्वेश्चंस का लिस्ट आया, फटाफट क्वेश्चंस देखना शुरू किया। पहला क्वेश्चन देखा तो पहला क्वेश्चंस नहीं बना मेरे से, दूसरा क्वेश्चंस देखा दूसरा भी नहीं बना, तीसरा क्वेश्चंस देखा तीसरा भी नहीं बना, फोर्थ भी नहीं बना और फिफ्थ भी नहीं बना। लगभग 5 क्वेश्चंस जो है थे मैंने एक एक करके देखने शुरू किए और पांचों नहीं बने। वो सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, बायोटेक्नोलॉजी सेक्शंस के। एप्टीट्यूड मैंने पहले टच नहीं किया था, मेरे से 1 नंबर के 5 के 5 क्वेश्चंस नहीं आए। क्लिक करते तुरंत, जैसे देखते ही होता ना, क्लिक किया कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया। मेरे स्वेटिंग होने लगी, मैं घबरा गया एकदम, मतलब ऐसा मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा कि मेरी इतनी मेहनत दिन रात की, क्योंकि मैं गेट प्रिपरेशन के लिए लगभग 1 महीने से जो है दिन रात मैंने सूरज तक नहीं देखा था, मैं पढ़ाई कर रहा था कि मुझे क्वालिफाई करना है कैसे भी करके। तो मेरी स्वेटिंग होने लगी, मैं घबराहट हो गया, मुझे लगा मेरी मेहनत तो गई, लोग क्या सोचेंगे, ये गोल्ड मेडलिस्ट बनने वाला है, टॉपर है, लेकिन इसे गेट भी नहीं निकला। मैं 4 बातें, रिलेटिव्स दोस्त सब घूमने लगे और घबराहट के मारे स्वेटिंग होने लगी। आप सोच सकते हो, फेब्रवरी में बैठे हुए ठंड में भी, वो भी जनवरी, उसमें मतलब जनवरी के एंड में वो एग्जाम था, अब फेब्रवरी में होने लगा, तो हालत खराब थी। लेकिन फिर मैंने हेड डाउन किया, लगभग 5 से 7 मिनट तक मैं अपने आप को फिर से वही मंत्र, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट और आई कैन डू इट, आई कैन डू इट करता रहा 5-7 मिनट तक। फिर मैंने उठा, हेड ऊपर किया और मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ के सीधे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे शिफ्ट किया। और लकीली वो पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का था, वो एक मैच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम था और वो मुझसे सॉल्व हो गया। वो देखते ही लगा कि अच्छा ये इसका 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 ये होगा, और वो सॉल्व होते ही उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होना शुरू हुआ। जैसे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, मेरा कॉन्फिडेंस जो एकदम लो हो चुका था वो अपने आप हाई हो गया और मुझे लगा मैं कर लूंगा। करने के बाद, पूरा पेपर देने के बाद मैं रिलैक्स्ड फील कर रहा था, और मुझे नहीं पता था, मुझे इतना था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। लेकिन जब पेपर दे लिया, रिजल्ट आया था, मैं उस वक्त ट्रेन में था और वापस आ रहा था, होली की छुट्टियां थी, तो होली के जस्ट पहले रिजल्ट आया था, एक दिन पहले, मतलब होली की छुट्टियों से जस्ट पहले मैं ट्रेन में था, और ट्रेन में ही अपना रिजल्ट देखा तो AIR 6 आया था मेरा। लोग मुझे फोन कर रहे थे कि भाई तुम्हारा इतना अच्छा रैंक गया, इतना अच्छा कॉलेजेस से भी। तो ये पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको, आपके साथ शेयर सिर्फ इसलिए करने की कोशिश करी कि आप चाहे कितने भी लो क्यों ना फील कर ले, आपने अगर पढ़ाई करी है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में उसकी मदद मिलेगी। आपको ये बिलीफ रखना है खुद पे कि मैं कर सकता हूँ, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे 5 क्वेश्चंस ना आते हुए भी अगर मैं AIR 6 तक पहुंच सकता हूँ, कॉन्फिडेंस लो होने के बावजूद भी वापस से बाउंस बैक कर सकता हूँ, तो आप भी करेंगे। ये याद रखें कि आप जो पहला क्वेश्चन ऑप्ट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। आप उस क्वेश्चन को ढूंढिए जो आपसे बने। शुरुआत के अगर 2-3 क्वेश्चन आपसे बन गए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कोई नहीं हिला पाएगा पूरे एग्जाम में। लेकिन आप अगर आप शुरू के 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं बने, उतने में घबरा गए, तो फिर गड़बड़ है। और अगर कभी घबराते हैं तो से टू योर सेल्फ, आई कैन डू इट फॉर मल्टीपल टाइम्स। अपने आप से आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स कहें। दैट विल हेल्प योर
कह सकते हैं कि कामनेस या आपके मूड को थोड़ा सा कूल करेगा, सो दैट आप बेटर सोच पाएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में. ठीक है, सो मेरे साइड से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. मे बी एक दिन पहले मैं आपको एक आध वीडियो और भी शेयर करूंगा ऐसे जनरली प्रिस करने के लिए, बट आई होप कि आप जितना भी पढ़े हैं जैसे भी पढ़े हैं अपना पूरा नॉलेज जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे गेट के एग्जामिनेशन पे और क्रैक करके आएंगे गेट एग्जामिनेशन में. ठीक है,